कमेंट नंबर वन, मेरा मीटर ठीक था, सही रीडिंग निकाल रहा था, फिर भी बिल IDF में बनकर आया है, क्या करें सर, प्लीज हेल्प मी। कमेंट नंबर टू, सर हमने पिछले माह बिल्कुल रीडिंग या यूनिट खर्च नहीं की थी, फिर भी बिल 450 रुपये से अधिक आया है, क्यों सर, क्या करें, प्लीज हेल्प मी सर। कमेंट नंबर तीसरा, सर हमारे यहाँ पर एक मीटर रीडर पैसे लेकर के बिलों को कम कर देता है, हम नहीं देते तो हमारा अधिक बिल बना देता है, क्या करें सर, क्यों मैं भी पैसे दिया करूं, क्या मैं भी पैसे दिया करूं। अगला कमेंट, सर मीटर रीडर यूनिट कभी कम तो कभी ज़्यादा डाल देता है, क्या करूं, हेल्प मी सर। अगला कमेंट ये है प्रदीप यादव जी का, सर हमारा बिल CDF में बना है, उसके लिए क्या किया जाए कि वह MU में बनकर आया करे। नमस्कार, आपका स्वागत है माई समस्या YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए दो चार कमेंट नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट आ चुके हैं और काफ़ी सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ, उनके जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ कि मीटर रीडर की गलतियाँ इतनी हो चुकी हैं UP के बिलों में अधिकांशतः कि अंधाधुंध हो चुकी हैं। बिल बेसिस यानी बिल हमारा किस आधार पर बनता है, कैसे बन करके आता है, बिजली का जो बिल होते हैं वो किस आधार पर बन के आते हैं, कैसे बन करके आते हैं, उसे हम बिल बेसिस कहते हैं। और ये बिल बेसिस में इतनी गड़बड़ियाँ कर देते हैं कि पूछो मत। इस समस्या को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार ये बिल बेसिस होता क्या है, क्यों, सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार ये बिल बेसिस क्या होता है, यानी कि जो बिल बनता है, बिल बनने का आधार क्या होता है। एक्चुअली हम बताएं आपको, बिल बेसिस जो है 6 प्रकार के होते हैं, यानी बिल हमारा 6 प्रकार से बन सकता है। पहला मीटर की यूनिट के हिसाब से MU, दूसरा IDF आइडेंटिटी डिफेक्टिव मीटर, यानी जिस मीटर से यूनिट को आइडेंटिफाइड ना किया जा सके वो मीटर, यानी कि मीटर जल गया है, मीटर टूट गया है या मीटर की डिस्प्ले काम नहीं कर रही। तीसरा जो हमारा प्रकार आता है वो RDF आता है, देखिए पहला जो कमेंट था मैंने बताया था आपको, मेरा मीटर ठीक था, सही रीडिंग निकाल रहा था, फिर भी बिल IDF में बनकर आया, क्या करें। बिल आपका IDF में बनकर आया है, इसके 3 कारण हो सकते हैं, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला तो आपका मीटर ख़राब है क्या, ये सुनिश्चित कर लीजिए, मीटर ख़राब नहीं है और लेकिन फिर भी बिल IDF में बना दिया, तो ये मीटर रीडर बहुत काफ़ी गलती कर देते हैं, इन लोगों को पता नहीं होता है, सच बता रहा हूँ मैं, आप समझ जाइए, आप कंज्यूमर हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। मीटर रीडर इतने अच्छे नहीं हैं, इतने जानकार नहीं होते। आपको अगर मैं रियली बता दूँ इन मीटर रीडरों की कि इनको सैलरी कैसी मिलती है और मतलब मंथली वाइज सैलरी क्या होती है, इनकी क्या कैसी पोजिशन होती है, तो आप भी चौंक जाएंगे, इनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं मीटर रीडर के ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा, कुछ वो क्यों गलती आकर करते हैं और क्या क्या वजह हो सकती है, ठीक है, इसे अगले वीडियो में देख लेंगे। वर्तमान में समझने की कोशिश कीजिए कि बंदा का मीटर, जिन्होंने कमेंट किया वो कह रहे हैं कि मेरा मीटर ठीक था लेकिन बिल जो IDF में बनाया यानी आइडेंटिटी डिफेक्टिव है, अब बताइए क्या करें। तो देखिए आपको सर ऐसा करना चाहिए, हो सकता है कि आपका मीटर ठीक है, ओके आपको लगता है ठीक है लेकिन रियलिटी में वो ख़राब हो, देखना मीटर को दबा के देखना, शायद वो जब मीटर रीडर बंदा यूनिट निकालने आता है तब रीडिंग ना दिखाए, शायद डिस्प्ले ना ऑन होती हो, ऐसा हो सकता है ना आपके। देखिए मीटर की मतलब IDF में कब बनेगा, डिस्प्ले ख़राब है मीटर की, आपके यहाँ कनेक्शन तो जा रहा है, मतलब लाइट तो जा रही है, आपके यहाँ लाइट जा रही है लेकिन मीटर ख़राब है, ऐसी कंडीशन में बिल IDF में बनकर आएगा। दूसरी प्रकार ये मीटर रीडर भी गलती कर सकता है, मीटर रीडर भी गलती कर सकता है, MU की जगह गलती से IDF का ऑप्शन चुन करके
मीटर की उसमें स्थिति पूछता है कि मीटर की स्थिति कैसी है और वो क्या करेगा कि MU की जगह पर IDF टिक कर देगा और आपका जो मीटर है वो IDF में चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका बिल तब तक IDF में बनता रहेगा जब तक कि नेक्स्ट मीटर आपके घर पर नहीं लग जाता है, अगला नया मीटर चेंज करवाना ही पड़ेगा। ये बात समझिए आपके, और ये मीटर कोई फ्री में तो लगते नहीं है, 3,000-2,500 जो भी मीटर की कॉस्ट होती है उसके आधार पर लगते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाएं और चाहे वो आप निजी लगवाएं। मेरी बात समझिए, और मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ना लगवाएं और आप निजी लेकर के ख़रीद करके लगवाएं तो बेस्ट रहता है जी। अगला कमेंट था, सर हमने पिछले माह बिल्कुल रीडिंग यूनिट खर्च नहीं की थी फिर भी बिल 450 रुपये महीने आया है। बात समझिए, पिछले महीने हमने कोई यूनिट खर्च नहीं की थी, मान लिया ये फैमिली कहीं चली गई थी टूर पर एक महीने के लिए, या किसी प्रोग्राम फंक्शन में या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर चली गई और एक महीने नहीं आई, उसके बाद जब मीटर रीडर आया यूनिट सेम की सेम थी तो बिल 450 रुपये बना। आप कह रहे हैं यार गलत हो गया ना, बिल तो नहीं बनना चाहिए था। आपको मैं बता दूं, अगर आप मीटर को बिल्कुल नहीं चलाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप मीटर को बिल्कुल नहीं चलाओगे तब भी बिल आपका बन कर आएगा और वो बिल उससे अधिक होगा जिससे आप यूनिट खर्च करने पर जो बिल बन कर आएगा। मेरी बात समझना, अगर आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो 2 किलोवाट पर लगभग 400 के करीब बिल बनकर आएगा, और 400 रुपये बिल बनकर आएगा अगर आप मीटर को बिल्कुल खर्च ना करेंगे, क्योंकि जो सिस्टम आपका बिल बनाएगा वो ऑटोमेटिक बनाएगा और 450 रुपये लगा देगा। हो सकता है वो अगले महीने कैलकुलेशन करके रीडिंग डाल करके कम बना दे, तो इसलिए आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि जब भी अगर आप घर को लॉक करके जाएं तो कम से कम एक LED बल्ब तो जला के जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर घर आपको महीने भर के लिए लॉक करना ना, फिर भी आप यूनिट को चलाते रहिए, चाहे 2 यूनिट बने महीने में, 1 यूनिट बने, लेकिन प्रत्येक महीने यूनिट दिखाइए आप, तो आपका बिल कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अगला कमेंट देखते हैं हम। हाँ क्या करें सर, अब कुछ नहीं, अगले महीने मीटर रीडर आएगा, आप यूनिट खर्च कीजिए और वो जितनी यूनिट खर्च हो जाएंगे उसके आधार पर बिल बना के जाएगा, पिछला बिल माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस माह मत जमा कीजिए और चेक कीजिएगा अगले महीने, तब कमेंट करके बताइएगा। ठीक जी, अगला कमेंट था तीसरा, सर हमारे यहाँ एक मीटर रीडर पैसे लेकर के बिलों को बनाता है, हम पैसे नहीं देते तो हमारा बिल अधिक बना देता है, यानी हमारा बिल अधिक बना देता है, हम पैसे नहीं देते, औरों से पैसे लेकर के बिल कम कर देता है, क्या हम भी उसे पैसे दें? जी सर, मैं आपको सुझाव दूंगा, आप बिल्कुल पैसे ना दीजिए, आप सही कर रहे हैं, आप नहीं पैसे दे रहे, बस आप एक कंप्लेंट कर दीजिए बिजली विभाग की ऑफिस में जाकर के, आप देखिए आपके बिजली विभाग की ऑफिस कहाँ है, मीटर रीडर से पूछिए, वो बता देगा कि हमारे कार्यालय वहाँ पर है उस जगह पर, आप वहाँ कॉल कीजिए, फीटर पे ही, आपके जो फीटर लगा हुआ है जहाँ से बिजली आती है, विद्युत केंद्र है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बिजली विभाग के ऑफिसर का नंबर लीजिए, वहाँ ये शिकायत कीजिए, अगर वो बंदा अच्छा हुआ तो बंदे को पहले ही सजेशन कर देगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको लग रहा होगा कि वो पैसे देकर बिल बना जाता है, कम बना जाता है, तो कम ही होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। अगर पैसे दे करके मीटर से यूनिट कम डाल करके, यानी मीटर में यूनिट है आपकी 220 और उस बंदे ने डाल दिए 150 यूनिट का बिल बना दे, तो मीटर में यूनिट तो हमेशा जुड़ती रहेंगी, मेरी बात समझिए, मीटर में यूनिट तो हमेशा जुड़ती रहेंगी, और जब अगला बंदा कोई चेंज होगा ना, जब अगला बंदा चेंज होगा, क्रॉस रीडिंग कराई जाएगी, यानी बंदों का अदला बदली कर दी जाएगी, तब उनका बिल काफ़ी अधिक आएगा और आप उस समय बहुत खुश हो जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो मेरी बात समझिए, आप जैसा बिल है वैसे बनवाते रहिए, इक्वल बनवाइए, मीटर में रीडिंग को देख करके बिल बनवाइएगा, और मैं एक लिस्ट समझा दूंगा आपको बाद में वीडियो के अंत में कि इस प्रकार से एक लिस्ट टांग दीजिए, आपके यहाँ मीटर रीडर का बाप भी गलती नहीं करेगा, ये बात ध्यान से सुन लीजिए।
जी अगला कमेंट किया था सर, सर मीटर रीडर यूनिट कभी कम तो कभी ज़्यादा डाल देता है, क्या करूँ, हेल्प मी। जी सर आपका कमेंट लाजवाब है। क्या होता है ना कि मीटर रीडर आपके यहाँ आता है, हो सकता है उसे कम दिखता हो सकता है वो जानबूझकर गलती कर रहा हो सकता है, आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे ये लोग, कभी बिल को ज़्यादा निकाल देंगे, रीडिंग कम खर्च हुई है फिर भी ज़्यादा डाल दें, या ज़्यादा खर्च हुई है तो कम डाल दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या है बिल एक्चुअल सही नहीं निकलेगा, गलत निकलेगा, चाहे वो कम डाले चाहे ज़्यादा डाले। आपको पता होना चाहिए आपके मीटर में जितनी रीडिंग है, आपके मीटर में जितनी रीडिंग है क्या मीटर रीडर ने वो सही निकाली है, ये आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। साहब ऐसी कंडीशन कर देंगे ना तो मीटर रीडर का बाप भी कभी गलती नहीं कर सकता, गलती करके भी गलती नहीं कर सकता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन ये सारी गलतियाँ हमारी हैं कि हम ही सजेशन नहीं देते, हम ही मतलब सतर्क नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते ऐसी कंडीशन से, तो मैं सुझाव दूंगा इस कंडीशन को जरूर फॉलो कीजिए। जी वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन दिक्कत मत लीजिए, जानकारी आपके काम की है, आपके नहीं तो आपके पड़ोसी काम की है, आपके पड़ोसी की नहीं तो आपके रिश्तेदारी काम की होगी, इसलिए वीडियो को छोड़िए मत, प्लीज़ पूरा देखिए। बस अब एक लास्ट ऑप्शन और है कि जे प्रदीप यादव जी का है, सर हमारा बिल CDF में बना है उसके लिए क्या किया जाए कि MU में बने। साहब आपका बिल CDF में बना है, CDF का मतलब समझ रहे हैं सीलिंग डिफेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है, CDF में बिल बना है, बिल आपका इसलिए बना है क्योंकि आपने स्वीकृत लोड से अधिक लोड उपयोग किया है। आपका 2 किलोवाट का लोड होगा तो आप 3 किलोवाट या उससे अधिक का लोड चला रहे होंगे घर पर, इसलिए CDF में बिल बना है। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मीटर रीडर ने जानबूझकर के या गलती से भी आपका लोड अधिक डाल दिया है, ऐसी कंडीशन में जो बिल बन गया जनरेट हो गया वो हो गया, शायद आप चक्कर लगाते रहिए ऑफिस के कुछ नहीं होने का, आप कोशिश कीजिए कुछ नहीं, इस माह का बिल जमा कीजिए, सही कीजिए और मीटर रीडर को समझा दीजिए, और ज़्यादा करो ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, अगर करंट में बिल बनाए तो संशोधन हो सकता है, लेकिन आप लेट हो गए तो नहीं हो सकता। वैसे भी मैं आपका बिल काफ़ी दिनों बाद पढ़ रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता, तो अगर नेक्स्ट टाइम या किसी के साथ ऐसी कंडीशन घटे तो आप तुरंत बिजली विभाग के ऑफिस में जाइए, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मीटर रीडर तुरंत हल कर देगा, अगर वो चाहेगा ना तो तुरंत हल कर दीजिएगा, उसी से तुरंत समाधान करा दीजिएगा। इसलिए आपको बिल पढ़ना आना चाहिए कि बिल में कहाँ पर क्या होता है, मैं काफ़ी दिनों से यही बात समझा रहा हूँ कि बिलों को हमें समझना आना चाहिए, बिल पता है इतनी बड़ी पर्ची होती है उसे यूँ ही नहीं समझा जाता यार, बिजली का बिल ना ऐसा आता है जैसे कि किसी ब्याह शादी का भी बिल नहीं होता होगा, इतने सारे आइटम लिखे होते हैं उसमें, मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं उस पर, आप उसे देखिए सही।